महज 5,000 रुपये न मिलने पर कलयुगी बेटे ने अपनी माँ को उतारा मौत के घाट। इतना ही नहीं, मानवीयता की सारी हदें पार करने वाला यह युवक अपनी माँ के शव को एक सूटकेस में भरकर उसे ठिकाने लगाने के लिए बिहार से प्रयागराज पहुँच गया, लेकिन यहाँ पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस उपायुक्त नगर प्रयागराज दीपक भूकर से आप भी सुनिए क्या है पूरा मामला। पूछताछ की गई कि सूटकेस में क्या है, तो उसके द्वारा बताया गया कि जो लड़का है उसका नाम हिमांशु है और मूलतः वो गोपालगंज बिहार का रहने वाला है। और उस सूटकेस में जब उसको खुलवा के देखा गया तो गोपालगंज पुलिस टीम जब संगम एरिया में रात्रि में गश्त कर रही थी तो उसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति जो है वो मिला और उससे जब पूछताछ की गई, उसके पास एक सूटकेस था, तो उससे जब पूछताछ की गई तो पुलिस को उस पर शक हुआ। उसमें डिटेल में जब उससे विस्तृत पूछताछ की गई कि सूटकेस में क्या है, तो उसके द्वारा बताया गया कि जो लड़का है उसका नाम हिमांशु है और मूलतः वो गोपालगंज बिहार का रहने वाला है। और उस सूटकेस में जब उसको खुलवा के देखा गया तो उसमें एक महिला की डेड बॉडी मिली थी। और उस जब डेड बॉडी के बारे में पता किया गया तो उस हिमांशु ने बताया कि वो उसकी मदर की डेड बॉडी है, जिनका नाम प्रतिभा देवी है और उनकी उम्र लगभग 42 साल थी। और जब इससे विस्तृत पूछताछ की गई हिमांशु से तो इसने बताया कि ये इसकी मदर के साथ जो हरियाणा में हिसार जनपद में ये आर्यनगर में रह रहा था और वहीं पे इसकी मदर जो है वो कॉटन मिल में काम कर रही थी। और जब इसने अपनी मदर से कुछ खर्चे के लिए पैसे मांगे थे 5,000 रुपये, तो इनका आपसी झगड़ा हुआ और उसी दौरान इसने अपनी माँ का गला दबा के वहाँ पर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ये घटना जो इसने कारित की वो 13 तारीख को की थी और हत्या करने के बाद शाम को ये डेड बॉडी को सूटकेस में डाल के और उसके साथ कपड़े डाल के ट्रेन के माध्यम से ये संगम पे पहुंचा था और यहाँ पे ये जो डेड बॉडी थी इसकी मदर की उसको डिस्पोज ऑफ करने संगम पे आया था। उसी दौरान पुलिस ने इसको संदिग्ध होने की वजह से पूछताछ में बाद में हिरासत में लिया। इसको अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। जो महिला की डेड बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और जो हरियाणा में हांसी में जो थाना है वहाँ के भी पुलिस को हमने इन्फॉर्म कर दिया है। बिहार में जो अभी तक जानकारी हुई है, इसकी जो हिमांशु है इसकी एक सिस्टर है जिसकी शादी हो रखी है और इसके जो फादर हैं वो बिहार में ही कहीं पर जॉब करते हैं, तो उन दोनों को इन्फॉर्म कर दिया है। और जहाँ ये किराए पे रह रहे थे, इनके जो मकान मालिक थे, उनको भी पुलिस के द्वारा सूचित कर दिया गया है और हरियाणा पुलिस को भी हमने सूचित किया है।